अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ हम वास्ते हाज़िर हैं। अच्छा, व्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मदर्स डे के हवाले से ये व्लॉग है। ड्रीम वर्ल्ड में हमारा ओकेजन था, वहाँ पे QNN वालों ने जो है वो सेलिब्रेशन रखी थी मदर्स डे के हवाले से। हम लोगों ने लाइव कुकिंग करनी थी तो हम अपने ग्रुप के थ्रू जो है यहाँ पर आए थे, और एज़ यूजल के वक्त से पहले हमेशा पहुँच जाते हैं हर जगह। यहाँ पे सारा सेटअप लगाया जा रहा है, जहाँ पे अभी प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सब कुछ आपके सामने ही है। अभी यहाँ पे जंपिंग द कैसल भी है, और साथ में बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग, लाइव कुकिंग वगैरह भी होगी यहाँ पे, और केक कटिंग सेरेमनी भी है। तो सोचा कुछ थोड़ा सा जाके पहले से हम जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले लें, वीडियोस बना लें, ताकि हम एक अच्छा सा व्लॉग जो है वो आपको पेश किया जाए कि आगे जाके ये व्लॉग कितना अच्छा होने वाला है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ, लेकिन आवाज़ पीछे शोर इतना था कि मेरी आवाज़ जो थी वो नहीं आ सकती थी। तो हमने कहा कि चलो हम बाद में जो है वो उसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बस तैयारियाँ मुकम्मल हैं, बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि माशाल्लाह से ग्रीनरी हर जगह थी, तो इतना पता नहीं चल रहा था। अच्छा, ये हमने मदर्स डे के हवाले से बोर्ड वगैरह सब लग गया है, और कुछ ही देर में अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ बच्चों को बुलवा के पोएम्स वगैरह सुनी जा रही है। अच्छा, ये मदर्स डे के हवाले से यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे अब लाइव कुकिंग वगैरह स्टार्ट होने वाला है, तो उसके हवाले से जो है वो छोटी मोटी बातें जो हैं वो की कर दी जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक केक का भी स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे एक केक डेकोरेशन कर रही हैं जिस पे उन्होंने अम्मी जान लिखना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी ये बेकर हैं, होम शेफ हैं, और ये केक और कपकेक्स लेकर आई हैं जिस पे बाकायदा लिखा जाएगा अम्मी जान, और वो फिर गिफ्ट किए जाएंगे सबको। तो केक सेरेमनी है, यहाँ पे बॉल्स भी, केक बॉल्स हैं वो भी लेकर आई हैं। अच्छा, आगे एक और हमारा जो स्टॉल था वो था कुकिंग वगैरह का। अच्छा, ये भी हमारी एक क्लाइंट है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा आगे जो स्टॉल था वहाँ पे हमारी जो एक मेंबर थी वो बनाना चाह रही थी ग्रीन चिकन कढ़ाई QNN के फ्लेवर से ना, तो हम उनके पास गए और माशाल्लाह से उनसे वहाँ पे जाके रेसिपी देखी, लेकिन इतनी इजी रेसिपी कि बस आपने उनका जो पेस्ट है ग्रीन मसाले का उसी के साथ उन्होंने जो रेसिपी अपनी रेडी कर ली, और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी उनकी, झटपट बिल्कुल ना। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके शेयर कर दूँगी। QNN के फ़्लेवर्स को आप यूज़ करिए अपनी रेसिपीज़ में, ज़िंदगी को और आसान बनाइए माशाल्लाह से, कि आप कहेंगे कि वाह ये तो बिल्कुल घर वाला टेस्ट आ रहा है इसमें। अच्छा, ये इन्होंने अपनी रेसिपी रेडी कर ली थी, साथ में फिर हमारा जो सेकंड था उसमें इन्होंने बिरयानी बनाई थी, QNN वालों की पेस्ट है बिरयानी का, उससे इन्होंने बिरयानी बनाई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, बहुत ही उम्दा बिरयानी बनी। लग ही नहीं रहा था कि ये किसी बाहर के मसाले, लेकिन यकीन जाने इन्होंने जो मसाले भी यूज़ किए वो भी बहुत ज़बरदस्त मसाले थे। कोई एक तो होता बहुत स्पाइसी कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि खाया जाएगा कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत उम्दा और बेहतरीन बिरयानी बनाई थी। और उसके बाद जो थी वो मेरी भी टर्न आने वाली थी, मुझे सैलड बनाना था, तो मैंने चिकन बॉयल करने रख दी थी अपनी जिंजर गार्लिक और अनियन पेस्ट के साथ। यहाँ जल्दी जल्दी मैंने सैलड वगैरह लिया और मैंने आइसबर्ग के साथ एक चिकन सैलड अच्छा सा बना दिया। तो काइंडली मेरे चैनल को सबसे पहले तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स बताइए। ये हमारे शेफ्स आ गए थे, उनके साथ पिक्चर्स हो गई थी, फिर रेसिपीज़ थी, फिर मैं लाइव कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। तो काइंडली मुझे बताइए कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।